है और यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि कार तो ले ही लीजिएगा, लेकिन एक अगर कार की कंपनी है, अगर उसके स्टॉक्स आप लेना शुरू करेंगे तो जहाँ एक कार खरीद के आप 6-7 साल तक उसकी EMI पे करते रहेंगे, बजाय उसकी साथ साथ साइमेंटेनियसली अगर आप इस स्टॉक में या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर देंगे SIP के थ्रू ही, जैसे उधर आप EMI भरेंगे इधर SIP करेंगे, तो ये कंपनी आपको इतना पैसा बना के देगी कि आपको कई कार आपके दरवाजे पे खड़ी भी कर देगी और आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा कर देगा और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस कंपनी में, हो सकता है कि आपको करोड़पति ही बना दे कुछ ही लाख रुपए में। इतनी संभावनाएं हैं इस शेयर मार्केट में और इन कंपनियों में। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है मारुति सुजुकी। देखिए वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, मारुति अल्टो का यहाँ पे लोगो दिख रहा है और इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ने वाला आज, ना इसके बारे में बताऊंगा ना कुछ बताऊंगा, क्योंकि सभी भारतीय लोग परिचित हैं 1983 से, जिसका जो पहले कार मारुति सुजुकी लॉन्च हुई थी तब से कंपनी भारतीय बाजारों में अपनी 50% से अधिक पर ज़्यादा मार्केट पर कब्जा कर रखा है इसने। और इतनी फ्रेंडली है कि छोटी छोटी जगह पर आपको इसके गराजेस मिल जाएंगे, इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। छोटे छोटे मैकेनिक भी इसको ठीक कर देते हैं, आपको सर्विस सेंटर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा ये कहना है कि गांव गांव गली गली खेड़े खेड़े में इसके सब चीज़ें उपलब्ध हैं, इसलिए बहुत ही पॉपुलर कार है और कंपनी है। तो इस कंपनी के स्टॉक के बारे में हम आज बात करेंगे। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आज BSE पे April 26, 2019  12:05 6,811 रुपये पे भाव ट्रेड कर 91 रुपीज़ पे डाउन साइड दिखा रहा है, 91 रुपये आज डाउन है। और 52 वीक जो लो बनाया था 6,370 रुपये और हाई था इसका 9,929 रुपये, काफ़ी अपने हाई से अभी लो पे मिल रहा है ये स्टॉक। और सेंटीमीटर में लोग 70 पर कर रहे हैं, 70% कह रहे हैं बाय इट, 27% कह रहे हैं सेल इट एंड 3% होल्ड। और हम स्टैंड अलोन के यहाँ पे देख रहे हैं, मार्केट कैप 2,05,429 करोड़ के और EPS है 251 रुपये, P है 27.08 की, बुक वैल्यू है 13,1382 की और प्राइस टू बुक है 4.92, इंडस्ट्री P 24, डिवरेबल है 25.62% की और फेस वैल्यू अभी भी 5 की है। अच्छा, टोटल डेप्ट है बैलेंस शीट पे यहाँ पे 110 करोड़, विच इज़ नथिंग, वाई आई टेल यू, हियर इज़ द नेट प्रॉफिट ऑफ 2000 मार्च 2019। तो अगर 1795 करोड़ की जो प्रॉफिट है तो एक ही बार में ये पूरा ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करती है, कर्जा नहीं है, नथिंग, मूठ के मुंह में जीरा। एक्सलेंट क्वालिटी कंपनी है, जैसा इनका मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से इनकी ग्रोथ है या कैपिटल स्ट्रक्चर है, इनको एक्सलेंट क्वालिटी की कंपनी की कैटेगरी में रखा गया है। सेल्स ग्रोथ है 13.81% की, EBIT ग्रोथ है 20.26% की और नेट डेट टू इक्विटी इज जीरो। अभी देखिए फेयर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। ROCE है 25.47 की, ROE है इसके 17.64% की और पूरा ऑटो सेक्टर अभी डाउन चल रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दबाव पड़ा हुआ है पूरे ऑटो सेक्टर में, चाहे आप टाटा मोटर्स ले लें, चाहे अशोक लेलैंड भी देखिए जिस हिसाब से वो इतनी दिग्गज कंपनी है वो भी नहीं बढ़ पा रही है, और चाहे आप मारुति सुजुकी में जो डाउन साइड दिखा रहा है, चाहे आप फोर्स मोटर, चाहे आशा मोटर, कोई भी रखा, तो ऑटो सेक्टर का अभी डाउन साइड है। लेकिन आने वाले समय में जब ये सेक्टर भागने लगेगा तो आपको माला माल कर देगा, मैं तो बस यही कह रहा हूँ शब्दों में। तो देखिए यहाँ पे अभी फेयर वैल्यूएशन पे ये खड़ा है। अब कह रहे होंगे कि 6,812 रुपये का जो प्राइस स्टॉक का मैं बता रहा हूँ इतना महंगा, ये प्राइस महंगा नहीं है। जो 6,812 रुपये है एक शेयर की कीमत, वो कंपनी की जिस हिसाब से वैल्यू है उस हिसाब से अभी वो सस्ता ही है, बजाय कोई महंगी कंपनी का सस्ता स्टॉक खरीदने से अच्छा है कि बड़ी कंपनी का जिसकी वैल्यू कम है, सस्ती वैल्यू है जिसकी और उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, वो खरीदना चाहिए। मैं सीधे शब्दों में बताने की मैंने कोशिश की है। फाइनेंशियल ट्रेंड इसके फ्लैट हैं और रिटर्न हम देख लेते हैं। देखिए रिटर्न 10 सालों में अभी भी ज़बरदस्त है, 750% के, 5 सालों में 250% के, 4 सालों में 92% के, 3 ईयर्स में 75% के, 2 साल से यहाँ पे देखिए 6.28%, यहाँ पे
कम है, और एक साल से यहाँ पे 23% के नेगेटिव में, ईयर टू डेट जनवरी से लेके 8.75% नेगेटिव में, 6 मंथ में भी 1.56% की अपसाइड है, 3 मंथ्स में 4.50 की अपसाइड, 1 मंथ में 3.35% की अपसाइड है, 1 वीक और 1 डे में नेगेटिव में है इसके रिटर्न। अब चलिए हम फाइनेंशियल देख लेते हैं। देखिए मार्च 18 में मार्च 17 ईयर टू ईयर के जो हम देख रहे हैं रिजल्ट, तो यहाँ पे 0.7% की अपसाइड है नेट सेल्स में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 24.93% की डाउन साइड है, नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 4.5% के आसपास डाउन साइड है, मार्जिन में भी यहाँ 4.5% के आसपास डाउन साइड है 3.70% के। तो नो डाउट अभी इनके जो रिजल्ट्स आए हैं, अब होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, ये लेवल मेंटेन करना, इनके सेल्स ग्रोथ मेंटेन करना, इनके नेट प्रॉफिट मेंटेन करना भी बड़ी बात है। ऐसे मौक़ों पर जब ये अपना एक्सपेंशन बढ़ा रहे हैं, जबकि ये अभी इलेक्ट्रिक कार्स का भी आना तय है, और क्वार्टर की भी देख लेते हैं कि क्या एक हाँ देखिए, दिसंबर 18 से मार्च 19 में जो यहाँ पर नेट सेल्स में 18,926 करोड़ की थी, वहीं मार्च 19 में 20,737 करोड़ की हो गई है। नेट प्रॉफिट में जहाँ 1489 करोड़ की दिसंबर 18 में थी, वहीं मार्च 19 में 1795 के हो गई। तो क्वार्टर के रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, बट ईयर टू ईयर उसमें थोड़ी सी डाउनसाइड है। बट बेहतरीन कंपनी, इस वजह से इसमें अभी लगातार थोड़ा सा गिरावट भी बनी है, पूरा सेक्टर टूटा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम दिखाई देते हैं, 56.21% की है गिर भी, कोई भी शेयर नहीं, म्यूचुअल फंड्स ने 5.77% की होल्डिंग है, और 1027 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसे लगा रखे हैं। LIC भी देखिए यहाँ पे घुसी हुई है 6.66% की ज़बरदस्त, और इंडिविजुअल हम आप जैसे खुदरा ग्राहक कितने कम 4.39%। और देखो इसने डिविडेंड जो पे किया था 80 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया था 14 अगस्त 2018 को। लार्ज कैप कंपनी ऑटो सेक्टर से है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अगर जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी तो ले ही लीजिए, इसमें अगर और गिरावट आती इसमें SIP शुरू कीजिए, आप एक शेयर लीजिए महीने का, अगर और नीचे साइड जाता है तो और लीजिए। ऐसी कंपनी है जो आने वाले समय में आपको लंबे समय में 5-10 सालों में 15 सालों में 20 सालों में ये आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगी, और ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए जबकि अभी टूटी हुई है। तो ऐसा मत सोचिए कि टूट गया तो कहीं और नीचे ना चला जाए, आप थोड़ा थोड़ा और लेते रहिए, और टूट रही है तो और लीजिए, अपने हिसाब से एक बनाइए कि मैं कितने स्टॉक्स ले सकता हूँ, है ना। और जब ऊपर भागना शुरू कर देगी, रिटर्न देखना देगी, तब आप पैसे बस गिनते रहिएगा। तो ये मेरा कहना है, आज यहीं पे अपना वीडियो बंद करना चाहूँगा। और फ्रेंड्स एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ कि कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर मशवरा कर लें, हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना, और मैंने एक दिग्गज कंपनी के बारे में अपना रिव्यू दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।